गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? तो भाई सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठ चुका हूँ। तो पहले अपना बनाएंगे टू डू लिस्ट, तो मिलते हैं आपसे टू डू लिस्ट पर। तो दोस्तों टू डू लिस्ट बना लिया है। तो आज का टू डू लिस्ट में हमारा कैलकुलेशन 15, एडिशन 15, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर 160, क्यूब 130, स्क्वायर मैंने 10 बढ़ा दिए हैं, पहले 50 तक थे अब 60 तक, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन, पाइथागोरस ट्रिपलेट, और वो कैम में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम्स, स्पेलिंग। मैं भूल गया कि मैंने कल कहाँ से कहाँ तक किए थे, तो इसलिए लिखा नहीं है। लाइब्रेरी में बुक है, वहीं से फिर देखूंगा, क्योंकि लाइब्रेरी से बुक लाया नहीं था मैं। और फिर मैथ्स में 50-50, एवरेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन है क्वेश्चंस। फिर है इंग्लिश में रीडिंग, और 10-10 एरर इम्प्रूवमेंट सेंटेंस और फिलअप्स, दो दो क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन, 10 PQRS। रीजनिंग में 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं सेक्शनल, और GK में 19 जुलाई 2023 CGL का 4 शिफ्ट की एनालिसिस करनी है, नोट्स बनाने हैं, और टेम्पल्स के नोट्स बनाएंगे, मतलब बना रखे हैं, थोड़ा उसे रिवीजन करेंगे, और जो फोक डांस पहले करे थे उसको रिवीजन करेंगे। तो ये मेरा आज का टू डू लिस्ट है, तो करते हैं फिर इसको स्टार्ट। तो मेरा सबसे पहले टास्क है कैलकुलेशन, 15 एडिशन और 15 मल्टीप्लिकेशन, और जो कि मैंने ये कर रहा हूँ, मतलब एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ऐसा मेरे कुछ प्रैक्टिस है वो है, मैंने कल करी थी, क्वेश्चंस करे थे। तो ये देखो, ये सारे कल के 100 क्वेश्चन हैं, इसमें एक पेज में 100 क्वेश्चन, ऐसे करते हैं भाई। तो हो गया, ये कैलकुलेशन करते हैं और फिर निकलते हैं। और इसके एक ऐप आता है, अगर वो आपको ऐप चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए, और नहीं तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको क्या कहते हैं पर्सनली भेज दूँगा। अगला टास्क है हमारा स्क्वायर 160, क्यूब 130। तो स्क्वायर एंड क्यूब से रे मेरे को क्यूब्स आगे लिखने हैं 10 और, तो उसे लिख लेंगे। और ये हमारा स्क्वायर एंड क्यूब्स मेरे को याद तो हो चुके हैं। इनके प्रैक्टिस के लिए अगर आपको ऐप चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, या आप मुझे DM कर सकते हो टेलीग्राम पे, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और इसे करते हैं कंप्लीट, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टास्क पे। तो नेक्स्ट टास्क है हमारा परसेंटेज टू फ्रैक्शन और पाइथागोरस ट्रिपलेट, जो कि मैंने अपनी डायरी के पीछे ही लिख रखे हैं, तो आप भी ऐसे लिख सकते हो, या मेरे में से नोट करके आप यहाँ से अपने उसमें कॉपी में लिख सकते हो। इनको याद करना ज़रूरी है, ट्रिपलेट्स इतने ज़रूरी नहीं होते, मगर जो ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ये थोड़े ये ट्रिपलेट जो है ये एडवांस मैथ में काम आ जाते हैं कहीं कहीं पर, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन तो हर जगह काम आते हैं, हर जगह। तो लगाते हैं इस पर टिक और करते हैं इसे समाप्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टास्क पे। अगला टास्क मैंने चूज़ किया है फोक डांस रिवीजन, तो ये फोक डांस है जो कि मैंने नोट कर रखे हैं सारे, तो इनको रिवाइज करते हैं और फिर नहाते हैं, नहा के पूजा करते हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, इस पर लगा देते हैं टिक, टिक लगाना भूल जाते हैं भाई। तो भाई पूजा कर लिया, पानी चढ़ा के नाश्ता करते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। भाई आज नाश्ते में चाय, पापे, नमकीन, ब्रेड, ये खा के पर निकलते हैं लाइब्रेरी के लिए, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो लाइब्रेरी आ गया हूँ, अब जो भी बची हुई चीज़ें हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं अपनी डेस्क पे और करते हैं आज का कार्यक्रम स्टार्ट। तो ये मेरी डेस्क है, और रखते हैं बैग और निकालते अपनी बुकें, और मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे एंट्री करके। तो सबसे पहले मैंने उठाया GK 19 जुलाई 2023 CGL शिफ्ट 4, तो ये रही, और इसको एनालिसिस करेंगे और इसके बनाएंगे नोट्स जैसे मैंने पहले बना रखे हैं। तो ये टेक्स्ट बुक से, और ये पहले के नोट्स बना रखे हैं मैंने, आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये बना रखे हैं नोट्स, तो इनकी तरह नोट्स बनाएंगे और मिलते हैं फिर आपको अगले टास्क पे। इस पे लगाते हैं टिक
परसों करते, रात को करते हैं ख़त्म। तो अगला टास्क है मेरा वो कैब, तो वो कैब स्टार्ट करते हैं। और वो कैब में ये रहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इससे पहले एंटोनिम्स सिनोनिम्स मेरे हो चुके हैं, और इसके बाद ईडियम और क्या कहते हैं स्पेलिंग पीछे ही है, मतलब स्पेलिंग भी जहाँ भी होगी, ठीक है। तो स्पेलिंग करते हैं और इस पर लगाते हैं टिक, एंटोनिम्स सिनोनिम्स वन वर्ड्स ईडियम्स स्पेलिंग, तो टिक लगा दिया, इनको करते हैं ख़त्म। तो अगला है मेरा यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि पहले मैं टेंपल के नोट्स रिवीजन करने वाला था, मगर मैंने सोचा परचम क्लासेस की एक नई सीरीज है जो मेरे पास आ गई है, तो उससे मैं करूँगा परचम क्लासेस की जो सीरीज़ है उससे अपनी जीके स्टार्ट करी है मैंने आज से, और इसको मैं अब ख़त्म करूँगा। इसमें शायद 196 के आसपास वीडियोज़ हैं, तो सारी की सारी कर दूँगा एक दिन में, दो दो। तो इस पर लगाते हैं टिक। तो भाई घर पे से खाना वाना खा के आ गया हूँ, अब मैं सोच रहा था कि क्या मैं आपको जाने की वीडियो बना के दिखाऊँ, आने की बनाऊँ, तो इससे अच्छा कि मैं एक ही वीडियो बनाता हूँ कि मैं खाना खा के आ गया हूँ। तो खाना खा के आ गया हूँ, अपनी जगह पे बैठते हैं। पता नहीं मेरी सीट पहले से ही वहाँ छोड़ के मैं ऐसे ही गया था कि अब ऐसी हो गई है, समझ नहीं आया मेरे को भी उस टाइम, मगर कोई नहीं। फिर मैं बैठ गया, अपनी कॉपी वगैरह खोली यूनाइटेड नेशंस। फिर अगला टास्क है मेरा रीजनिंग, दो मॉक टेस्ट सेक्शनल, तो इनको लगाते हैं। और ये ऐसे कुछ दिखते हैं पेज, जब रीजनिंग कर लेते हैं तो ये पेजेस रीजनिंग के। और आज दो मॉक टेस्ट लगाने हैं, जिसमें कि ये हैं 27 और 28, दो मतलब 24 जुलाई के थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट, तो इसको लगाएंगे और देखते हैं इस पर कैसे मार्क्स आते हैं। तो इस पर लगाते हैं टिक और आपसे मिलते हैं मतलब अगले टास्क पे, जो भी हमारा अगला टास्क होगा, तो इस पर लगाते हैं टिक। फिर अगला है मेरा एरर इम्प्रूवमेंट सेंटेंस और फिलअप, तो ये रहा कॉमन एरर, इसके बाद आएगा इम्प्रूवमेंट सेंटेंस, फिर आएगा फिलअप। फिलअप भी कहीं इधर उधर है, फिलअप पीछे की साइड ही है, तो कोई नहीं। तो इस पर भी लगाते हैं टिक और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। एरर, फिर इसके बाद मेरा अगला टास्क था क्या कहते हैं क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन। तो क्लोज टेस्ट ही रहा, और इसके बाद आएगा हमारा कॉम्प्रिहेंशन, जो कि सबसे लास्ट में है बुक की, तो इनके दो दो करने हैं मुझे, तो इनको करते हैं और लगाते हैं इन पे टिक और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फिर मेरा है अगला टास्क 10 PQRS, तो ये रहा अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। PQRS का नाम ये होता है ऑफिशियली, मगर हम PQRS बोलते हैं उसे, क्योंकि उसके आंसर PQRS के फॉर्म में होते हैं। तो इस पे लगाते हैं टेक और इसे करते हैं ख़त्म और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो भाई मैं तो आ गया घर, मैथ्स रह गई आज की, क्योंकि मेरी जो नोटबुक थी वो घर पे रह गई थी, और जो नोट्स थे मेरे रिवीजन के लिए वो भी मेरे घर पे रह गए थे, तो इस वजह से मैं कहते हैं मैथ्स नहीं कर पाया आज। बुक तो थी वहाँ पे, कॉपी भी वो भी थी, शीट वगैरह, फिर टाइम भी हो गया था, मतलब मान के चलो कि मैं एक्सक्यूज दे रहा हूँ बस, ठीक है। मेरा मन नहीं था आज मैथ्स पढ़ने का, तो इसलिए फिर मैं घर भी जल्दी आ गया, थोड़ा सर भी दर्द हो रहा है, एक्सक्यूजेज हैं बस ये सारे के सारे जैसे मैं दे रहा हूँ तुम आप लोगों को, तो इसलिए मैं घर आ गया। अब मैं थोड़ा टाइम पास करूँगा, और ये हमारा जिमी 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 अरे ये हमारा जिमी जो कि हमें आते परेशान करने लग जाएगा। चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो भाई बाल कटाने आया हूँ, बहुत बड़े हो रहे हैं यार, पर छोटे करा लें। तो मेरा ये हमारा पहले का लुक, और दिखाते हैं फिर नेक्स्ट लुक कटने के बाद। तो भाई अपने कटिंग करा ली है,
वो फोन तो बड़ा हैंग हो रहा है, कुछ ऐसी कटिंग कराई है? देख तो रही हो गया आप, मतलब छोटे करा लिए यार, ऊपर के बहुत बड़े हो रहे थे, मगर खैर लग रहा है अभी भी बड़े हैं। चलो कोई नहीं यार, जैसे भी हैं ठीक है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो भाई बाल कटा के आया था, मम्मी थी नहीं घर पे तो खाना कौन देता, इसलिए मैं थोड़ा टू डू लिस्ट बना लेता हूँ। तो कल का मेरा टू डू लिस्ट है कैलकुलेशन, 15 एडिशन 15 मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर 1 से 60, क्यूब 1 से 30, परसेंटेज रिफ्लेक्शन, पाइथागोरस ट्रिपलेट, वोकैब में एंटोनिम्स, इनोनिम्स, वन वर्ड्स, ईडियम, स्पेलिंग, मैथ्स में 50-50 एवरेज एंड रेशियो के प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आज नहीं करे तो कल करेंगे, और रीडिंग, और 10-10 एरर, इम्प्रूवमेंट सेंटेंस और फिलअप्स, 2-2 क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशन, और 10 PQRS, रीजनिंग में 2 मॉक टेस्ट सेक्शनल, GK में 19 जुलाई 2023 का CGL का 3rd शिफ्ट का मॉक एनालिसिस और नोट्स, और यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आज भी पढ़ा था यूनाइटेड नेशंस के बारे में तो बच गया है, तो बाकी कल करेंगे। अगर आपको परचम क्लासेस की सीरीज चाहिए 2024 की, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैंने भी उसी से ही करी है, कर रहा हूँ मतलब। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हाँ तो दोस्तों खाना वाना हो गया, तो अब मैं जाऊंगा सोने, क्योंकि आज नींद आ रही है और बहुत सर दर्द हो रहा है, क्योंकि आज पूरे दिन लाइब्रेरी में था। और भाई स्क्रीन टाइम ना इतना ज़्यादा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम होता है। मान के चलो यार सुबह 5 बजे से करीब 8 बजे तक, ठीक है, फिर 8 बजे से फिर कुछ है, मतलब ऐसी काम वाम करके फिर 9 साढ़े 9 लाइब्रेरी, फिर 1 बजे तक स्क्रीन टाइम थोड़ा बहुत उसमें रहता है। मतलब मान के चलो 8 से 10 घंटे मेरा स्क्रीन टाइम है रोज का। तो अब और इसका हम कुछ कर भी नहीं सकते, है ना, क्योंकि अगर इसका हमने कुछ करा, मतलब स्क्रीन टाइम कुछ कम करा, तो पहले बात तो करेंगे कैसे, स्क्रीन टाइम कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो लेक्चर्स हैं उनका स्पीड बढ़ा के थोड़ा बहुत कर सकते हैं, नहीं तो उसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। तो भैया और बाल कटवाए थे तो तेल लगवाया आज, और देख लो कितने कितने कम बाल हो गए यार, बहुत कम बाल हो गए। मतलब अब टेंशन नहीं है इतनी है, क्या बोलें, एग्ज़ाम भी आ रहा है CGL का, कुछ भी दिन बचे नहीं है अभी, ज़्यादा से ज़्यादा कितना 1 महीना बचा है, मैक्स मैक्स तो नहीं, मिनिमम 1 महीना है, मैक्स से ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, 45 दिन, इससे ज़्यादा दिन नहीं है। कोई नहीं यार, हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। CHSL का अच्छा गया है, उसके उसके मतलब मार्क्स अच्छे आए हैं, तो अगर वो वाली मिल जाती है भगवान करे तो उसी में ज्वाइनिंग ले लेंगे, नहीं तो अब क्या करेंगे। वैसे CHSL का सेकंड टीयर में देखते क्या होता है, CPO में तो नहीं होगा, 109 में नहीं हो पाएगा। कोई नहीं, जो होगा भगवान ने पहले ही सोच रखा है हमारे बारे में, जो भी सोचा अच्छा सोचा। तो भाई यही बोलूँगा, पढ़ते रहो, फल की चिंता मत करो, और बस यही, पढ़ने पे ध्यान दो, फिर मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।